जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है फिफ्थ, ठीक है। और डेट लगाएं 11 जून 2020। रीडिंग आज हमने नेक्स्ट 2 पेज की रीडिंग करनी होगी। पिछले वाले टॉपिक में भी हमने डिफरेंट कीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आज भी हम डिफरेंट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कीज़ होती हैं। मैं आपको कीबोर्ड भी आज दिखाऊँगी और उसकी डिफरेंट कीज़ भी बताऊँगी कि कौन कौन सी की कौन कौन सा काम करती हैं, ठीक है जी। सिस्टम कमांड्स की, ठीक है जी। दीज कीज गिव सर्टन कमांड। द फॉलोइंग कीज आर सिस्टम कमांड्स की, ठीक है जी। ये जो कीज होती हैं ना, ये सर्टन कमांड्स करती हैं, ठीक है। और इनकी आगे से डिफरेंट कीज हैं। पहली वाली कौन सी है? प्रिंट स्क्रीन की, और प्रिंट स्क्रीन की, SYSRQ की, स्केप कीज, ब्रेक ब्रेक की, मेन्यू एप्लीकेशन की, ठीक है जी। ये जो डिफरेंट डिफरेंट की है ना, इनको सिस्टम कमांड्स की कहा जाता है। और अब हम आते हैं कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है जी। तो जो कमांड वाली मेन की है वो ये है, ठीक है। आगे आ जाएं जी, प्रिंट स्क्रीन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट SYSRQ स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेक वाली की पढ़ी है ये। उसके बाद एप्लीकेशन की, ठीक है। तो एप्लीकेशन का ए तो नहीं लिखा हुआ, बट ये पूरी एक एप्लीकेशन है ना, तो ये वाली की है, सही है। ये कौन सी है? कमांड की। एक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। आगे आ जाएं जी, मिसकेलेनियस की, ठीक है। न्यूमेरिक की पैड, इट इज़ एन एरिया टू द राइट ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। न्यूमेरिक की पैड होते हैं ना, सॉरी, वो हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। और वो कौन सा काम करते हैं? कैलकुलेटर का काम करते हैं। और ये कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे मुश्तमिल होते हैं, लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ एन, सॉरी, लेफ्ट नहीं, राइट साइड पे पाए जाते हैं। इट इज़ एन एरिया टू द राइट ऑफ द कीबोर्ड। इट हैज़ न्यूमेरिक की, बेसिक मैथमेटिकल सिंबल एंड सम मोर की। इट इज़ कॉल नंबर पैड, ठीक है, 2। अब आप यहाँ पे भी देखें कि ये कीबोर्ड के राइट साइड पे हैं, ठीक है। अब आपको कीबोर्ड पे दिखाती हूँ कि ये कहाँ है। तो ये देखें, यह पूरा कीबोर्ड है, ठीक है। इसके राइट साइड पे ये नंबर वाले पाए जाते हैं, नंबर पैड इनको भी कहा जाता है। ये मैथमेटिकल सिंबल के लिए यूज़ होते हैं, मतलब जो भी बैंक वगैरह का जो नंबर का काम होता है ना, वो इन पर किया जाता है, इस वाले पर, ठीक है। इनको कहते हैं नंबर लॉक भी कहा जाता है, और ये सारे जो हैं इनको। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। पावर मैनेजमेंट कीज। सम कीबोर्ड हैव दीज की। दीज कीज आर पावर की, स्लीप की, वेकअप की, ठीक है जी। हर एक कीबोर्ड की डिफरेंट कैटेगरी होती है। कुछ कीबोर्ड ज़्यादा अच्छे होते हैं, और उनमें ये जो टाइपिंग मोड्स होते हैं, टाइपिंग जो बटन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर एक कीबोर्ड डिफरेंट होता है ना। बट ये जो मैंने आपको मेन बताया है ना, जो मैंने अभी पीछे भी पढ़ाया अभी भी, वो हर एक कीबोर्ड के अंदर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि वो पावर की, स्लीप और वेकअप की कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। तो पावर की, स्लीप की एंड वेकअप की। तो पावर की कौन सी है? यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो जो पावर की है ना, वो है इंसर्ट, होम, पेज अप, ये वाली 3 जो की हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाली 3, पावर, स्लीप एंड वेकअप। फर्स्ट वाली क्या है? फर्स्ट वाली पावर, दूसरी वाली स्लीप एंड दस वन इज वेकअप, ठीक है। ये मैनेजमेंट का काम संभालती हैं, ठीक है, ये वाली कीबोर्ड के अंदर, सही है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अच्छा जी, या मल्टी का मतलब आ जाता है, मल्टी में क्या आता है? सारी। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड, दिस कीबोर्ड हैज़ बटन फॉर प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो, आल्सो इट आल्सो हैज़ बटन टू कंट्रोल द इंटरनेट। अच्छा जी, ये कीबोर्ड थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। मल्टीमीडिया का मतलब है कि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट और चीज़ें भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसके बटन किसके लिए भी यूज़ होते हैं? प्लेइंग के लिए भी, खेलने के लिए भी, ऑडियो वगैरह वीडियो के लिए आल्सो, ठीक है। एंड कंट्रोल इंटरनेट, ये इंटरनेट को भी कंट्रोल कर सकता है, ये वाला कीबोर्ड, ठीक है। आज की हमारी इन 2 पेज की रीडिंग होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्टिविटी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।